मैं अभी मूरे प्लेन्स में हूँ, जिनको चूहा ग्राउंड भी कहते हैं, जिसको इस जगह को क्या कहते हैं? समरोचे। आपकी जो लद्दाखी में समरोचे कहते हैं? समरोचन, लद्दाख का समरोचन नहीं। अच्छा, लद्दाख में थूजी कौन बा? चूहे होते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? कर्मा। कर्मा, ये जो बकरियां, ये सारी पश्मीना वाली हैं? कैसी बकरी? पश्मीना निकल है। अच्छा, बाल काटे रहे? अच्छा, बाल काटेंगे, हाथ से निकालते हैं? बाल काटे तो उसमें जगह में नेल आता है। क्या आता है? जगह में नेल आता है। बिजली वाला खाना लाया उसमें। अच्छा, खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा, आपका घर कितने दूर है यहाँ से? मैं गाँव 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यही रहते हैं? यहाँ रहते हैं। ये सड़क तो बंद हो जाती है 8-9 महीने, फिर उसमें बर्फ गिरेगा तो उसमें थोड़ी गुरमा में जा रहा है, नीचे चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। अच्छा, वो भेड़ तो चली, कितनी है बकरियां आपके पास है? बस में 900-600 है। 900? अच्छा, भेड़ भी है कि बकरी है? बकरी 600। अच्छा, बकरी 900। भेड़ 900 और बकरी 600। अच्छा अच्छा, कितने लोग हैं घर में आपके? कितने लोग हैं घर में, कितने आदमी हैं? दो तीन, तीन आदमी है। तीन आदमी है। अच्छा अच्छा, इनसे कितना आमदन होता है, कुछ पता है? पता नहीं है। इसमें कितना पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं पता? पैसा नहीं पता। अच्छा, ऐसा नहीं पता, बस जो बिकता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? ऐसे ऐसे जी घूमता रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कहाँ कहाँ जाते हो आप? उसमें नीचे में पानी में जा रहा है। अच्छा, पानी में? पानी मिर्ची नहीं ना। अच्छा, पानी पिलाना है इनको? पानी में जाना है भाई। अच्छा अच्छा, ये ग्राउंड तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, कितना है ये इधर से उधर को? अभी पता नहीं चलना। अच्छा, ये नहीं पता आपको, ठीक है। ये देखिए आप, ये इनकी भेड़े हैं, ये जो बकरियां हैं। हाँ, ये पश्मीना गोट्स हैं, और ये मूरे प्लेन्स जो हैं, जिसको चूहा मैदान भी कहते हैं, चूहा ग्राउंड, और इनकी बोली में कहते हैं सुमर। क्या बताया नाम आपने? यहाँ का नाम क्या बताया? समरोचन। समरोचन, समरोचन कहते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आप। ये पश्मीना गोट्स हैं, ये क्योंकि मेरे नजदीक नहीं आ रहे, ये देखिए जूम किया है मैंने, और ये देखिए ग्राउंड इसमें बहुत ज्यादा सी लेवल से बहुत इसकी हाइट है, और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये जो पांग की चढ़ाई, तंगलाला की चढ़ाई है, वहां पर तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। और इन लोगों का जीवन कैसे चलता है इन भेड़ बकरियों के सहारे? अभी ये मेरी बात हो रही थी इनसे, ये इन्हें पानी पिलाने ले जा रहे हैं कहीं पे, क्योंकि यहाँ पानी नहीं होगा, और यही घास ये चरते हैं, जो देखिए छोटी छोटी घास है, बिल्कुल पतली, और कहीं कहीं ये देखें यहाँ पे किसी किसी जगह होगी ये पत्थरों के बीच में घास, इतनी बारीक के विजिबल भी नहीं हो पाती दूर से, तो ये घास है इनकी भेड़ और बकरियाँ चरती हैं। ये मूरे ग्राउंड जिसको कहते हैं, ये प्लेन है काफ़ी, मैंने इसका डिस्टेंस नोट किया था तो 40 किलोमीटर एग्जैक्टली ये जो सड़क है, ये लगभग सीधी सड़क है, इस पे तंगलाला से नीचे उतर के मतलब 45 किलोमीटर तो बिल्कुल ऐसी सड़क है कि जिसपे जो गाड़ी है, जो बाइक है, वो मेरी उस 70 से नीचे जो है उसकी स्पीड नहीं रही ऑटोमेटिकली, और नीचे को बाइकिंग करने में बहुत ही मुझे मजा आ रहा है। जुले जी, कहाँ से हो? मैं ये है हमारा समय रोकचेन। रोकचेन, समय रोकचेन बोला, समय रोकचेन। ये कहाँ है समय रोकचेन? ये गांव का नाम। इस गांव का नाम? हाँ, ये गांव का नाम समय रोकचेन है। इसको आप गांव कहते हैं? गांव कहते हैं ना, गांव है ना, सब ये गांव, सब हमारे सब मिल के ये गांव का नाम है समय रोकचेन होता है। समझ रोक चल। हाँ, सब। तो नहीं, आपका पक्का घर नहीं है? पक्का का नाम लोग ढूंढने वाला, हमने बल बकरी वाला ना, घूमते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे पक्का घर कोई पक्का घर नहीं, कोई भी पक्का घर नहीं हम लोग नहीं। तो फिर जो एक बात बताओ, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, फिर साथ में रहते हैं? मेरे बच्चे तो किसी तो पढ़ा है, किसी पढ़ा लिखा है, किसी तो नौकर में गया, किसी तो
पूजा करने वाला गया बुद्ध वैसे का। अच्छा, कोई स्कूल में, स्कूल में दूर छोड़ा है कहीं पे? आले में, ले में, ले में, ले में है। तो ले में आपका घर होगा? ले में होगा, थोड़ा होगा। आपका घर ऐसा ही घर है कि पक्का घर है? मकान है, मकान है, पक्का मकान। ये सब उनका मकान है। अच्छा, इनका सबका मकान है? ले में तो पूरा मकान तो है। अच्छा अच्छा, और हम लोग जाएगा नहीं, क्यों? हम लोग ले में जगह, हम लोग खेती नहीं है। हाँ हाँ, कुछ नहीं है। आपके पास जमीन नहीं है? नहीं नहीं, जमीन नहीं है हम लोग, ये हमारा ओपर पालने वाला ये है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। एक बकरी कितने का होता है ये लगभग? किसी को 4,000, किसी को 3,000, किसी को 8,000 ऐसा बकरी है। हैं? ये 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 पश्मीना बकरी है? पश्मीना बकरी है। अच्छा अच्छा, एक कुछ एक तो दाढ़ी भी है? दाढ़ी है? दाढ़ी क्या? हाँ हाँ हाँ, ये जो कुछ सब है। अच्छा अच्छा, ये देखो ये पश्मीना बकरा, ये ऐसे निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं इसको? ये तो है, एक होता है। अच्छा अच्छा, एक लोहा जैसा होता है। हाँ हाँ, निकलता है। ठीक ठीक ठीक, हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, ओके। तो आमदन कितना हो जाता है साल भर में, बोलो? क्या आमदन? आमदन, आमदन क्या होता है? इनकम, पैसा कितना आ जाता है इनसे? बिक जाएगा तो, ये पूरा बिक जाएगा तो वो ज्यादा है। अच्छा अच्छा, नहीं हम लोग बिकता नहीं है इसे, क्या क्या करना हम लोग पाप है। हम लोग खुद ये पालने वाला है, ये हमारा पैर बढ़ने वाले है, ये पैर बढ़ने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिखाओ बोला। ये ऊन है, ये पश्मीना है, ये पश्मीना है, ये पश्मीना वूल है। ये देखिए, ये निकलती है इन बकरियों से, और ये बता रहे हैं, है ना? ठीक है जनाब, बहुत मेहरबानी बताने के लिए। आपका ये सब आपका? देखो नहीं, पता नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा, हिंदी नहीं, हिंदी नहीं जानते? नहीं। घर कहाँ है? आपका रहते कहाँ है, गांव कहाँ है? घर कहाँ है? घर, अच्छा, इसी को घर बोलते। ये देखो, ये इसी को घर कहते हैं। ये मूरे प्लेन्स बहुत ज्यादा हाइट है, और इन लोगों की देखो यहाँ टेंट्स लगे हुए हैं। टेंट्स में ये अपनी जो भेड़ बकरियां हैं इनको रखते हैं। कितने महीने यहाँ रहते हैं? कितने महीने रहते हैं यहाँ? अच्छा, आपको इनको पता नहीं है, एक्चुअली लैंग्वेज प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। लेकिन देखो जीवन, जहाँ कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाइयों पर सांस लेना मुश्किल होता है, वहाँ ये लोग जीवन यापन करते हैं। यहाँ के नहीं है, मैंने पीछे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका घर यहीं है, लेकिन घर नहीं है, टेंट्स हैं इनके। ये भेड़ चराने, बकरी चराने आते हैं लद्दाख के दूसरे हिस्सों से। कितना कठिन जीवन होता है, मौसम में एकदम खराब हो जाता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है, फिर भी ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं इस ढंग से।